नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की शपथ के 12 दिन बाद सोमवार को मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के चेहरे सामने आ चुके हैं। केंद्र में मंत्री पद छोड़कर आए प्रहलाद सिंह पटेल, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और सांसद राव ओजय प्रताप सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। फिलहाल कैबिनेट में उनका पोर्टफोलियो तय नहीं हुआ है कि कौन सी जिम्मेदारी उनको सौंपी जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक साथ इतने दिग्गज नेता सरकार का चेहरा बन रहे हैं। सरकार के टॉप 5 चेहरों में शामिल दिग्गजों को गृह एवं जेल, नगरीय विकास, पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन और परिवहन राजस्व जैसे विभाग मिल सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि विजयवर्गीय को गृह मंत्रालय देने की चर्चाएं हैं, लेकिन इस पर अंतिम फैसला दिल्ली से ही होगा। और अगर कैलाश विजयवर्गीय को गृह मंत्रालय मिलता है तो महामंत्री का पद कैलाश विजयवर्गीय छोड़ देंगे, ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन अंतिम फैसला दिल्ली से ही होगा, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अंतिम फैसला दिल्ली से ही होने वाला है कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा। हालांकि चर्चाएं हैं कि कैलाश विजयवर्गीय को गृह मंत्रालय मिल सकता है और अगर ऐसा होता है तो वो महामंत्री का पद छोड़ेंगे। अधिक जानकारी के लिए हम सीधा रुख करेंगे राजधानी भोपाल का। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, टीम तैयार है, लेकिन किस खिलाड़ी को, मतलब किस योद्धा को कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। पैच कहीं ना कहीं फंसा है क्योंकि कई दिग्गज हैं आपके सामने। शैलेंद्र, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस बार मोहन मंत्रिमंडल में कई दिग्गज लोग हैं, जो उनके यही कारण है कि उनको कैबिनेट मंत्री की शपथ दिला दी गई है और उम्मीद ये है कि जल्द ही उनको उनका पोर्टफोलियो भी वितरित कर दिया जाएगा। लेकिन कौन किस पोर्टफोलियो पर रहेगा, इसको लेकर संशय बरकरार है। लेकिन जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में गृह मंत्री के लिए सबसे अधिक जो है वो रस्साकस्सी है और यही कारण है कि कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल दो नाम ये प्रमुखता के साथ सामने आ रहे हैं कि इनमें से किसी एक को गृह मंत्री बनाया जा सकता है। यदि कैलाश विजयवर्गीय गृह मंत्री बनते हैं तो मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो फिर प्रहलाद पटेल को ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके साथ ही राकेश सिंह को नगरीय प्रशासन मंत्रालय, राव उदय प्रताप सिंह को लोक निर्माण, इंदर सिंह परमार को राजस्व एवं परिवहन, गोविंद सिंह राजपूत को जल संसाधन, प्रद्युम्न सिंह तोमर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, कमलनाथ सरकार में ये मंत्रालय वो संभाल चुके हैं, करण सिंह वर्मा राजस्व मंत्री रहे हैं पहले मध्य प्रदेश सरकार में, अब उनको वन मंत्री की कमान सौंपी जा सकती है। हमारे सूत्र बता रहे हैं चेतन कश्यप उद्योग मंत्री बनाए जा सकते हैं, इस तरह के कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। नागर सिंह चौहान बड़ा आदिवासी चेहरा है, पशुपालन मंत्रालय की जिम्मेदारी इनको मिल सकती है। उसके अलावा अगर बात करते हैं नारायण सिंह कुशवाहा, पहले भी दो बार मंत्री रहे हैं, एक बार राज्य मंत्री रहे, एक बार कैबिनेट मंत्री रहे, इस बार उनको रोजगार एवं श्रम मंत्रालय का जिम्मेदारी मिल सकती है। संपत्तिया उइके बड़ा आदिवासी चेहरा है, महिला एवं बाल विकास की जिम्मेदारी इनको मिल सकती है। निर्मला भूरिया, इसके पहले जो मंत्रालय इनको मिलने वाला है अनुसूचित जनजाति कल्याण का, ये मीना सिंह जो आदिवासी चेहरा थी वो अब तक इस मंत्रालय को संभाल रही थी, तो बदले में अब इनको निर्मला भूरिया को ये मंत्रालय मिल सकता है। इसके साथ ही तुलसी सिलावट मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री रहे हैं, इसके पहले कमलनाथ सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल चुके हैं। यही कारण है कि कयास लगाए जा रहे हैं, जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि इनको स्वास्थ्य मंत्रालय की एक बार फिर से जिम्मेदारी मिल सकती है। विजय शाह मध्य प्रदेश सरकार में वन मंत्री थे, अब इनको ग्रामीण उद्योग एवं लघु उद्योगों की जो MSME डिपार्टमेंट है उसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है, ये बीजेपी के जो सूत्र है वो हमको बता रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं सुमित के मध्य प्रदेश में 6 मंत्री ऐसे हैं जो राज्य मंत्री के तौर पर स्वतंत्र प्रभार के तौर पर काम करेंगे, तो उनके भी पोर्टफोलियो अभी तय होने हैं। इसके साथ ही देखिए वित्त विभाग जो है जगदीश देवड़ा संभाल रहे थे, तो उम्मीद यही है कि जगदीश देवड़ा को एक बार फिर वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलेगी। इसके साथ ही जो एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होता है जनसंपर्क मंत्रालय, राजेंद्र शुक्ल इस डिपार्टमेंट को पहले भी संभाल चुके हैं, डिप्टी CM है वो अभी, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि एक बार फिर से राकेश शुक्ल ही जो है राजेंद्र शुक्ल ही इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। तो ये तमाम जो मंत्रालय है इनकी जो जानकारी है अभी निकलकर सामने आई है, हालांकि अंतिम मोहर लगना अभी बाकी है। देखिए दिल्ली में कई दौर की बात हुई है, इन दिग्गजों की भूमिका को लेकर भी रणनीति तैयार की गई थी और उसी के बाद इनको डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में स्थान मिला है। कैबिनेट में तो स्थान दे दिया गया, लेकिन अब पोर्टफोलियो को लेकर मंथन और चिंतन दिल्ली में अवश्य हुआ होगा और उम्मीद है कि आज शैलेंद्र हम अगर बात करें जिसकी सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं गृह मंत्रालय की,
दो दिग्गज कैलाश विजयवर्गीय प्रहलाद सिंह पटेल चर्चाओं में हैं कि इनको गृह मंत्रालय मिल सकता है। और सबसे ऊपर हम अगर कैलाश विजयवर्गीय को रखते हैं गृह विभाग के लिए, तो अब जैसे अगर हम मालवा निमाड़ की बात करें तो मालवा निमाड़ से खुद मुख्यमंत्री आ रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव, गृह विभाग भी अगर उसी तरफ चला जाएगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्या प्रहलाद पटेल को भी गृह विभाग मिल सकता है? और अगर विजयवर्गीय को ये विभाग मिलता है तो जो पद है महामंत्री का वो छोड़ेंगे वो? शैलेंद्र, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मालवा निवाड़ को इस पूरे सरकार में बहुत अधिक फायदा हुआ है। देखिए, अगर आपने जिक्र किया कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव मालवा से आते हैं, इसके बाद अगर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की बात करते हैं तो वो भी मालवा निवाड़ से आते हैं। इसके अलावा जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें सबसे अधिक मंत्री, 7 मंत्री जो है वो मालवा निवाड़ को मिले हैं। तो ऐसे में ये उम्मीद आप लगा सकते हैं कि यदि आने वाले समय में कैलाश विजयवर्गीय को गृह मंत्रालय मिलता है तो मालवा निवाड़ की पूरी सरकार में बल्ले बल्ले हो जाएगी। दूसरा सवाल जो आपने कहा, एक महत्वपूर्ण संगठन की जिम्मेदारी जो है वो कैलाश विजयवर्गीय संभाल रहे, जब उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा 2013 के बाद, 13 में, तो उसके बाद उनको संगठन की जिम्मेदारी दी गई थी, संगठन का उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया था और राष्ट्रीय महामंत्री रहते हुए उन्होंने कई राज्यों में चुनाव प्रभारी के तौर पर काम किया। सबसे महत्वपूर्ण जो चैलेंजिंग उनकी जिम्मेदारी थी वो बंगाल इलेक्शन को लेकर थी। बंगाल में उन्होंने काम किया और बीजेपी को काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी वहां पर रहा था। तो ऐसे में अब यदि उनको मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है, उनको गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलती है या किसी अन्य मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलती है, तो ऐसी स्थिति में वो जो है अपना जो महामंत्री का पद है वो निश्चित तौर पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में अक्सर ये बात होती है कि एक व्यक्ति एक पद। तो ऐसे में जो दूसरे नेता है मध्य प्रदेश से, शायद उनमें से किसी को राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर बना दिया जाए। जी बिल्कुल शैलेंद्र, जैसा कि हम सब देख रहे हैं, शुरू से ही देख रहे हैं जब से सरकार बनी है बीजेपी की, क्षेत्रीय जातिगत समीकरण साधने की कोशिश बीजेपी करती आई है हर बार, चाहे वो कोई भी फैसला लेने की बात हो। अब जब विभागों के बंटवारे अगर हो गए, मालवा निमाड़ की हमने बात कर ली है, मालवा निमाड़ को पहले ही पार्टी बहुत कुछ दे चुकी है, अगर विजयवर्गीय वहां से गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते हैं तो शायद क्या एक तरफा नहीं हो जाएगा कि मालवा निमाड़ को आपने सब कुछ दे दिया, बाकी क्षेत्रों की अनदेखी कर दी? ऐसे भी सवाल उठते हैं क्षेत्रवासियों की तरफ से। शैलेंद्र, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, लेकिन हालांकि अगर मालवा निवाड़ की बात करूं तो पिछले कुछ सरकारों में वहां के जो विधायक हैं या जो लोग हैं वो इस बात का भी आरोप लगाते रहे हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग हो, बुंदेलखंड हो या मध्य क्षेत्र हो, इन इलाकों को मंत्रिमंडल में भी जगह मिली और संगठन में भी जिम्मेदारियां मिली, लेकिन उस इलाके को बहुत कुछ नहीं मिला। इसके साथ ही एक इलाका और है, बिंद को अगर मैं बात करूं तो 2018 में सबसे अधिक सीटें, यानी 30 में से 26 सीटें वहां पर बीजेपी ने जीती थी, लेकिन उसके बावजूद जब सरकार पलट कर आई तो उनके पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। आखिरी समय में राजेंद्र शुक्ल को मंत्री बनाया गया था महज 3 से 4 महीने के लिए, और इस बार भी देखिए राजेंद्र शुक्ल को डिप्टी सीएम जरूर बनाया गया, लेकिन उसके अलावा केवल 3 जो लोग हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह मिली है। तो जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल बात सही है कि उस इलाके को भी साधना बहुत आवश्यक है, खासकर चाहे बुंदेलखंड हो, महाकौशल हो या बिंद हो, ये वो इलाके। देखिए ग्वालियर चंबल संभाग के लिहाज से भी बात करूं तो पिछली सरकार में, शिवराज सरकार में, वहां 9 मंत्री रहा करते थे, लेकिन इस बार वहां पर केवल 4 मंत्रियों को स्थान मिला है। हालांकि जो स्पीकर के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वहां से आते हैं, तो ऐसे में जो संतुलन है वो जरूर गड़बड़ा रहा है, लेकिन जो स्थितियां फिलहाल नजर आ रही है उसमें साफ तौर पर ये सरकार का जो फोकस है वो ओबीसी के साथ साथ एसटी और एससी वोटर्स है, और मालवा निवाड़ में एसटी वोटर्स की संख्या बहुत अधिक है, और यही कारण है कि उस इलाके को साधने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए आप नागर सिंह चौहान हो, निर्मला भूरिया हो, ये उस इलाके से आते हैं, यानी 2-2 मंत्री झाबुआ से आपने बनाए हैं, तो ये बताता है किस तरीके से उस इलाके पर फोकस जो है लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी करने में जुटी हुई है। पैच कहीं ना कहीं फंसा हुआ है क्योंकि बहुत सारे दिग्गज मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। अब देखना होगा कि आज ही विभागों का बंटवारा होगा या नहीं, या फिर डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली जाएंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन अगर बीजेपी ने सोच लिया है तो विभागों का बंटवारा आज ही हो सकता है। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। शेड्यूल में कैदी के बच्चे की मौत हो गई है, जेल में बंद कैदी के बच्चे की मौत हो गई, 4 साल की लड़की की इलाज के दौरान मौत हुई है। 23 दिसंबर को बच्चे की तबीयत बिगड़ी थी, जेल प्रबंधन ने जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया था। सजा याफ्ता माता पिता के साथ जेल में था बच्चा, लेकिन उसकी मौत हो गई। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता सौरभ पांडे, जुड़े हुए हैं फोन पर। सौरभ, क्या कुछ और जानकारी आपके पास?
जी हाँ, ये जो पूरा मामला है जिला अस्पताल का है, यहाँ पे जो एक मासूम की मौत हुई है, वह अपने माता पिता के साथ जेल में ही अपना जीवन यापन कर रहा था। इसे दो दिन पहले अचानक उसे तेज बुखार आया, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने जेल प्रबंधन ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया था। वहां पे डॉक्टरों ने उसके मस्तिष्क पे तेज बुखार चढ़ना बताया, जिसके बाद देर रात उपचार के बाद उसकी मौत हो गई है। ये जो परिजन थे ये विदिशा के हैं। यहाँ पे मानव तस्करी के मामले में पति पत्नी दोनों जेल में बंद थे, तभी यह घटना हुई है। और दिसंबर माह में इन्हें सजा सुनाई गई थी, 7-7 साल की सजा दोनों शेड्यूल जेल में काट रहे थे। सौरभ बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद सौरभ आपका। और आइए देखें।